आणि कृष्णाच्या लीलांडनमध्ये पण ते महत्वाच्या भूमिकेत आपल्याला दिसत आहे. त्याच्यानंतर सुधीरजी बटारिया आहेत नाशिकचे. नंतर हिरा मोती आपण सगळ्यांना माहिती आहे कार डेकोर, त्याचे हिराजी आहेत तिथे. त्याच्यानंतर अशोकजी आहेत या फिल्मचे DOP. भूपेंद्रजी है इस फिल्म में काम कर रहे हैं और जो मेन है इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर जतीन उपाध्याय जो डायरेक्टर भी है और स्क्रीन प्ले स्टोरी सब है आलोक जी की. ओके, तो ये सब है हमारे साथ आणि ज्याची सुरुवात झाली होते त्याचा एका पोलीस ऑफिसर बरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहत असते. सो आता तुम्हाला जर काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. आणि सर आप मैं ये कहूँगा कि नासिक में जो शूट हुआ है और जो हमने स्क्रीन पे देखा है वो आप लोग भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा सिटी है. इसको बहुत अच्छी तरह हम लोग दिखा सकते हैं और जो हमने फिल्म में दिखाया है. सो लुक वाइज देखेंगे नासिक इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. बस सर कोई खास वजह नासिक को ही शूट करना पूरी फिल्म? हाँ, कहानी यहाँ की है. हमारे जो डायरेक्टर है उनके पास एक सब्जेक्ट था जो एक थोड़ी सी कहानी यहाँ की थी, फिर उन्होंने एक अपना फिक्टिशियस जो कैरेक्टर है वो क्रिएट करके उन्होंने यहाँ की स्टोरी डेवलप करके एक अच्छी फिल्म बनाई. कुछ मराठी एक्टर हैं तो हिंदी फिल्म में क्या लगन रहा मराठी एक्टर्स को डालने का? हिंदी फिल्म में आपके और मराठी एक्टर्स या मराठी आर्टिस्ट भी हैं यस बस देखो एक फिल्म बनती है तो एक कैरेक्टर वाइज उनका एक सिलेक्शन होता है कि ये रोल में ये कैरेक्टर है वो सूट होगा. तो वो आलोक जी का सिलेक्शन बहुत परफेक्ट है और ऑल आर वेरी गुड एक्टर्स, जिसका मतलब आपको भी पता है कि वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद देम. और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है तो उनकी एक्टिंग देखने का मजा ही कुछ अलग है स्क्रीन पर. सर आपकी फिल्म का कुछ दिन पहले ट्रेलर लॉन्च हुआ, आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है, फिल्म रिलीज भी होने वाली है जल्द. प्रमोशन को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, कहाँ कहाँ प्रमोट कर? ऑल ओवर इंडिया करेंगे हम लोग, जैसे नॉर्थ में करेंगे हम लोग, अभी महाराष्ट्र में कर रहे हैं अभी, उसके बाद हम लोग बेंगाल में करेंगे. सो जैसे जैसे प्लानिंग है वो हिसाब से प्रमोशन करेंगे. ट्रेलर को क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? ट्रेलर का बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स वेरी गुड. सर आप जानना चाहेंगे पूरी फिल्म नासिक में शूट हुई है तो सर आप क्या कहते हैं? मुझसे इतनी लाइट है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे उधर कौन है. हाँ, ये जो लाइट है वो थोड़ी बहुत ज्यादा आ गई है. ये आप इसको फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, पूरी फिल्म नासिक में शूट हुई है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप ऑलरेडी इस तरह से ऐसी फिल्म देखी है, बहुत पसंद भी करते हैं, इस फिल्म के बारे में? भैया देखो, एक तो एक्टर आदमी हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहाँ जाएंगे. और नासिक जैसा शहर कि नासिक में शूटिंग भी करो और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन भी करो, समझे, मौका लगे तो बाबा के यहाँ होके आ जाओ. यहाँ के लोग मधुर हैं, शालीन हैं, समझे, और काम करने में मतलब कोई हल्ला गुल्ला नहीं लोगों का, पब्लिक का भी जो कुछ भी रहे. यहाँ के लोग बहुत अच्छा साथ दिया. सर नासिक नगरी के बारे में कुछ कोई आपको जो खास कुछ लगा हो ऐसा जो कुछ बताएंगे? वही बताया आपको, वही मंदिर है. अरे त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ की जगह है यार, और बाबा जी का त्र्यंबकेश के ऊपर एक डायलॉग भी है इस पे. अरे क्या बात है, जो आप फिल्म में देखेंगे तो आप गुनगुना देंगे. भोलेनाथ की नगरी है आपके, इनकी लक्ष्मण वगैरह यहाँ पे आए थे, इधर से होते हुए निकल के गए हैं लक्ष्मण राम. अभी आपने किरदार बाबा वाला किया? हाँ, एक बाबा वाला मैंने किरदार किया है, जैसे आसाराम वगैरह जो है ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, या वो आपके अभी राम रहीम टाइप है कुछ. तो हमने भी कुछ लोगों को एक हंसाने की कोशिश की है. सर फिल्म आप तक कैसे पहुंची, किस प्रकार से आप इस फिल्म से जुड़े हैं, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, आलोक हमको जानते हैं, मैं थिएटर करता था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से हूं, और काफ़ी थिएटर के लोग आलोक को भी जानते हैं और काम भी देखा हुआ था इससे. तो सीरियल से पहले मेरी 55-60 फिल्में आ चुकी हैं. लास्ट फिल्म मेरी गई थी हल्ला बोल,
फिर स्लम डॉग मिलेनर, फिर रक्त चरित्र रामगोपाल वर्मा की, तीनों फिल्म। उसके बाद फिर मैं सीरियल में चला गया, सीरियल मिल गया, सीरियल करते रहे। फिर हमने कहा नहीं, अब फिल्म भी, अभी हमारी एक फिल्म 706 अभी एक रिलीज हुई है, आपके नासिक के ही हैं, नहीं अहमदाबाद के हैं, अहमदाबाद के हैं, मतलब बहुत बढ़िया फिल्म, आप मौका लगे तो आप देखिए, आप कहें कि हाँ आया, इस तरह की फिल्म है। तो सर इस फिल्म में और कहाँ कहाँ जाने की तैयारी है प्रमोशन के लिए? बॉम्बे से आप नासिक आए हैं, नासिक? अब ये तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे, डायरेक्टर बताएंगे, तो सर हमें 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 जहाँ जहाँ मेरा समय मिलेगा मैं जाऊँ। काम किया है इसमें, इनका नहीं, इसमें हमारा फायदा है यार। हाँ भैया जाके फिल्म देखो। तो सर आप ये में साथ में रहेंगे ये वोट मांगना हो गया, साथ होगा तो हमारी फिल्म वैसे भी आगे है और भी आगे चली जाए। इसके बाद सर कोई फिल्म बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं आप? जरूर करेंगे सर, होंगे फिल्म में। अभी कैरेक्टर पे डिपेंड रहता है सर, डायरेक्टर का कैरेक्टर उसका सूट होगा तो गुरु जी का नाम नंबर वन पे। किधर चले गए? मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं आपको छोड़ के गया। अशोक जी, अशोक पंजाबी, मतलब कि ऐसा सहिष्णु बंदा, ऐसा सहनशील बंदा और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली। तो इस फिल्म में मैंने यहाँ त्र्यंबकेश्वर के भी दर्शन किए, यहाँ शूटिंग भी की, बाबा के भी दर्शन किए, और ये अशोक जी जैसी शख्सियत मेरी कमाई है, मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में कमाया है, क्योंकि ये जो जस कमाते हैं तो थोड़ा सा हम भी ऐसे टच करके वो भी ले लेते हैं। तो एक बढ़िया इंसान मिले हमको, और फिल्म के साथ भी इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है, आपके फार्म हाउस पर शूटिंग हुई। तो अशोक जी क्या कहेंगे आपकी पहले से तारीफ? मैं आप पूछ रहे ना, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे फार्म हाउस पे जब भी लोग आए थे कि आप हमारे को फार्म हाउस देंगे क्या, तो हमने फार्म हाउस भी दिया, प्यार भी दिया, और वही प्यार इनके लिए भी दिया, सबसे ज़्यादा हमने नासिक के लिए दिया कि हमारे नासिक का नाम बढ़ेगा और भी आगे फिल्में बनते रहेंगी, और मेरे पास से बहुत से पॉइंट्स है, स्पॉट है, जो आगे चल के सज्जन सिंह जब भी आएगी हमारे आलोक जी, तो उनके लिए मैं कभी भी पहले भी कुछ नहीं लिया है और आगे भी नहीं लूँगा। We'll be right back.
या मर्डर केस की। राहुल को कहीं भी दिखाया नहीं है क्योंकि फिल्म नासिक में पूरी शूट हुई है और नासिक से मेरा बहुत लंबा वास्ता है, मेरी अपनी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे काफ़ी है, काफ़ी सालों से आता जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस राहुल को जिसको अभी तक किसी ने ट्रेलर में नहीं देखा, उसको उसके कैरेक्टर में उसकी लिविंग पार्टनर कहिए या एक्स वाइफ या जो भी गर्लफ्रेंड, उसके साथ एक छोटा सा हम लोगों ने स्किट तैयार किया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो स्किट आप लोग देखें और उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आएगा। वालों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि पीछे जो मेहमान बैठे हुए हैं कोई नहीं देख सकता किसी को। त्यांनी आतापर्यंत बरेचसे नासिक मध्ये घेतलेले आहेत। पीछे की लाइट फिर जला दी। मैम लुक सर, इस लड़की ने वन टेक काम किया है, आगे तो भगवान जानता है एक्ट्रेस बनेगी, बनना चाहती है या नहीं वो तो हम लोग नहीं बता सकते, बट शी हैज एक्टेड वेरी वेल। और अशोक जी का हमको बहुत कोऑपरेशन रहा है नासिक में सुधीर जी के साथ साथ, क्योंकि इनके बंगलों में भी हमने शूटिंग की है। अब शूटिंग की तो जैसे सुधीर जी से रिलेशन बन गया, तो इनके साथ भी एक घर जैसा रिलेशन बन गया है। इसलिए अब हमारा कोई भी इवेंट होता है बॉम्बे तक भी आते हैं, इनके भी किसी काम में हम लोग नासिक भी आते हैं। सही है गलत है, है ना? आप कुछ बोलो, चलो आपको कैसा लगा? हाँ, इसने भी काम किया है, लड़के ने भी काम किया है, पर इसका कोई डायलॉग नहीं है, पर लड़की का डायलॉग इसने बहुत अच्छा बोला है। तो अब आप कुछ बोलिए, आपको कैसा लगा? कुछ बोलो ना, बोलो ना, आपको कैसा लगा? आप बोलो, कोई नहीं बोला। गुरु का मतलब क्या होता है? मुझे बताइए गुरु का अर्थ क्या होता है? और हमारे बीच में है हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्त, आप जरा अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हमने इनके बंगलों में शूटिंग की है, फिर वही बात है और पूरा शूट हमारे बंगले में हुआ है, मुझे एकदम गर्व है। म्यूजिक लॉन्च पर हो रहा है, एनकाउंटर का म्यूजिक लॉन्च पर हो रहा है। भूपेंद्र जी प्लीज कम। एक बार जोरदार सेंट्रल मॉल में भी तुमने इतना फॉलो किया, तुमने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। राहुल तुमको पता है मैं तुम्हें इग्नोर कर दी, और इसका रीजन तुमको पता है? तुम मुझे सच बताओ, क्या आज तक तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बताया? मैंने जो भी तुम्हें आज तक कहा है और वो दिल से कहा है और सब सच है, मैं तुमसे झूठ बोल कैसे सकता हूँ? देखो राहुल, जल्दी नहीं है, ओके? अच्छे से सोच लो और मुझे बताओ, क्या तुमने मुझे आज तक अपने बारे में सब कुछ सच बताया है? सब सच बताया मैंने, बिल्कुल सब सच, दिल से, प्यार से। राहुल, एक टाइम था जब इन सब बातों को मैं बिलीव करती थी, डेफिनेटली अब मैं समझ गई हूँ। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे सच बताया ना, और उन सब लड़कियों का क्या जिनके साथ तुम बतावे रेस्टोरेंट में बैठ के, ओके, जिनको बुला के मीटिंग के नाम पे बुला के, जिनको फेक मॉडलिंग असाइनमेंट्स तुम प्रॉमिस करते हो, उन लड़कियों का क्या? रेनू, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी प्यारी बीवी के होते हुए मैं किसी मॉडलिंग के लिए लड़की को क्यों अप्रोच करूंगा? आप भी सोचिए ना। वही मैं बोल रही हूँ, तुम सोचो। कभी नहीं जाता किसी से, ना मिलता हूँ ना कुछ मुलाकात करता, मैं बस तुमसे। राहुल झूठ बोलना बंद कर दो और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपने आप को सच में बहुत बड़े फैशन फोटोग्राफर समझते हो? मैं तो नहीं कहता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम पहले अपने आप का कुछ सेटल हो जाओ, ठिकाना ढूंढो और फिर लोगों को प्रॉमिस करना। एंड बाय द वे, सारी लड़कियां जो यहाँ पे बैठी है ना, प्लीज इस शक्ल को याद करना अच्छे से। ये है राहुल, ये आपके पास आएगा, आपको मिलेगा और झूठ फेक प्रोमिसेस करेगा, मॉडलिंग असाइनमेंट्स देगा, तो प्लीज इससे तो बच के ही रहना, ओके? सो मिसेस रेनू, आप लिसन, तुम्हारे जुबान से मुझे मेरा नाम भी पसंद नहीं है अब। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, तुमको वो दरवाजा दिख रहा है? दिख रहा है। मैं कब से चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, तुम समझते क्यों नहीं हो? राहुल, गेट लॉस्ट। नमस्कार,
ट्रेलर वरून तर मूवी चांगली वाटत आहे और सगळे जे ऍक्टर्स आहेत त्यांना पाहण्याची आज या निमित्ताने संधी मिळाली. आपण कोणीही असलो तरी आपण लहानपणापासून किंवा रोज आपण जे पाहत असतो टीव्हीवर किंवा मूवीजमध्ये तर त्याच्यामध्ये जे काम करणारे ऍक्टर असतात तो त्यांना प्रत्यक्ष भेटायला मिळावं प्रत्येकाची इच्छा असते. मग आम्ही ऑफिसर असलो तरी आमची पण ती इच्छा असते आणि आज सगळे ऍक्टर आहेत फिल्म ऍक्टर्स. रणजित जी को तो हम बचपन से देखते हैं और उनका फेमस वो स्टाइल है ना हमको नहीं पॉसिबल है लेकिन हाय सर सर है लाइट है लाइट है एक बार वन मोर रीटेक यस यस क्या बात कर रहे हैं सर जी. रणजीत जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अशोक जी हमारे साथ एक बार जोरदार तालियां फिर से एक बार. सर जी पहले ये पुलिस बहुत बदनाम होती है ये लोग मीडिया वाले कल छाप देंगे लोग मार रहे थे बोलिए क्या बात है. रणजीत जी आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में सभी नासिक वालों को. के बारे में तो बहुत बोल दिया मैंने लेकिन इतनी अच्छी गैदरिंग साहब ने जो मेरी ये करके दिखाई है इतने तो अक्षय कुमार ने भी नहीं की थी. एंड एक्टिंग करते वक्त बहुत चीज़ें अपने आप हो जाती हैं कभी कभी. दोबारा अभी मेरी हीरोइन कह रही थी ये मैं एक बार आए करो तो मेरा आए निकल ही नहीं रहा था. एंड इतना ब्यूटीफुल फेस को तो आए थोड़ी बोलेंगे. कहते किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए. किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए. क्या बात है. और ये फिल्मों में हम कुछ भी बोलते हैं और ऐसे एक किस्सा सुना देता हूँ. नए नए आया फिल्मों में तो मेरी माँ ने मेरी पिक्चर देखी पहले तो शर्मीली देखी और वो प्रीमियर से उठ के चले गए और मैं घर पहुँचा तो सब ऐसे बैठे हुए जैसे कोई गोली मार देगा मेरे को. मैंने बोला क्या हो गया पिक्चर तुम घर में कैसे आए दफा हो जाओ निकल जाओ अपने बाप का नाक कटवा दिया. मैंने बोला क्या किया मैंने. बोले लड़कियों में कपड़े फाड़ता है खींचता है बालों से पकड़ता है ये काम नहीं है. कोई पुलिस वाले का रोल करो कोई आर्मी का रोल करो ये क्या बकवास है दफा हो जाओ यहाँ से. तो फिर वो राखी को लेके गया मैंने बताया राखी खूबसूरत आपको मालूम ही है कितनी खूबसूरत. तो बेचारी कभी छोटी थी थोड़ी तो मेरी माँ अरे मेरी पुत्र तो ये है इसको शर्म आ रही है पता नहीं बेटा कैसे पैदा किया ये है वो है. वो कहते भी मोमो ये बड़ा अच्छा है हमारा दोस्त है तो गली है ना तो ला देते तेरे करो ना करके ऐसे मुझे डांट दिया. फिर पिक्चर में मर गया तो थिएटर में रोना शुरू. अपनी सहेलियों को बोलती है सहेलियाँ पूछती है क्या हुआ बहजी रो के रही है अरे मेरा पुत्र मर गया है पंजाबी में. तो बाद में पता लगा अभी फिल्मों में ऐसे ही होने वाला है फिर आदत पड़ गई. तो जैसे ही क्लाइमेक्स आता था तो अपनी सहेलियों को बोलती थी चलो चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे. उनको मालूम अभी पुलिस आएगी या तो पकड़ लेगी या इसमें गोली लगने वाली है. खैर 50 साल हो गए इंडस्ट्री में बड़े दौर देखे. एंड पुलिस का ऐसे लोगों को ऐसे जैसे डर होता है जो पुलिस वाले जो इतने प्यारे लोग होते हैं कभी मैच चलो छोड़ो कोई भी जाते हैं वो उनके पुलिस स्टेशन पे जाने से डरते हैं. डरने की कोई बात नहीं है वो हमारी हिफाजत के लिए है हमको प्यार देते हैं हमारी रक्षा करते हैं. तो पुलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ मोर देन द वाइफ यू नो राइट. तो एक फिल्म थी आपकी कसम आपने देखी होगी बहुत बार और उसमें एक गाना था वो भी आपने बहुत बार सुना है लेकिन वो उसके मीनिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा. उसकी एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ और उसमें भी जो लफड़ा हुआ था मेरी वजह से हुआ था वो संजीव कुमार राजेश खन्ना थे उसमें मुमताज थी. तो राजेश खन्ना का दोस्त होता है संजीव कुमार वो राजेश खन्ना सोचता है कि ये संजीव कुमार दीवार कूद के भागा है
एक्चुअली मैं भागा था, तो उस चक्कर में वो घर बार बर्बाद हो गया, तो जैसा काम मिलेगा जस्टिफाई तो करना पड़ता है ना, जूते तो खाने पड़ते हैं। कहते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, फूल खिलते हैं पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं, कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अब ये ब्यूटीफुल शाम सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने देखा कितने प्यारे हैं, तो भर्ती से तो मुझे भी डर लगता है बहुत। नाशिक, नाशिक साइक्लिस्टचं शहर म्हणून आता ओळखलं जातं सगळीकडे, नाशिक ये साइक्लिस्ट का शहर बोल के जाना जाता है अभी इंडिया में, नाशिक ये रनर्स का सिटी बोल के अभी जाना जाता है, और अभी नाशिक अभी फिल्म का सिटी बोल के जाना जाएगा। आजादी से बहुत अच्छा माहौल हुआ है यहाँ, बहुत से एक्टर्स है नाशिक से, और बहुत बड़ी परंपरा है नाशिक की फिल्म फिल्म और ये इन्होंने जो ड्रामा में शूटिंग किया है जहाँ जहाँ नाशिक है, तो अभी देखा गाना की सोमा बहुत है, शोक हमारे कैमरामैन ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी यहाँ पर बहुत यूनिट आएंगे, आपको बार बार एक्टर देखने मिलेंगे, फिर आप बोलेंगे ये क्या बार बार आ जाते हैं एक्टर लोग। आणि आता आमचे जे सायबर एम्बेसेडर्स होते ते सरांचे बाईट सुद्धा घेऊन गेलेले आहेत नाशिक मैराथन मध्ये 24 फेब्रुवारी ला। सर ये इंडिया में मतलब शायद ऐसा सिटी होगा कोई कि जहाँ पुलिस मैराथन का ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि फिटनेस रहना चाहिए लोगों में और लोग फिट रहना चाहिए, दौड़ना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे सबको, आप एक अपील कीजिए सर कि 24 फेब्रुवारी 2019 को नाशिक में मैराथन होने वाला है, पुलिस वो सब उसमें पार्टिसिपेट हो जाए। जी मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे वादा करता मैं भी दौड़ता मैराथन में, लेकिन मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, 24 तारीख से 22 तारीख को जा रहा हूँ, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये जो आप कदम उठा रहे हैं इसे एक तो सारा सबका मेलजोल, दूसरा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरा ये बहुत ही अच्छा काम है डॉक्टर से दूर रहने का, और क्या हो सकता, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है, और पुलिस के पास आने का, और पुलिस वाले जो है कितना प्यार देते हैं आपको मालूम है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप जरूर इसमें हिस्सा लीजिए, हौसला बढ़ाइए और अपना भी हिम्मत बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, 8 फेब्रुवारीला एक एंड काउंटर नावाची हिंदी मूवी रिलीज होते आहे नाशिकमध्ये। आज ते फिल्मचे टीमने प्रमोशन सुरू केलेले आहे फिल्मसाठी, नाशिकपासून त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। या फिल्मचे बरेच शूटिंग नाशिकमध्ये झालेले आहे असं ट्रेलिंग म्हणजे त्याचे ट्रेलर पाहताना जाणवत आहे, त्याच्यामुळं
नाशिककरांनी ही फिल्म पाहायला काही हरकत नाही, कारण त्याच्यामध्ये नाशिकमध्ये शूटिंग झालेलं आहे. तसंच त्याच्यामध्ये ॲक्ट्रेस आहे ती पण मराठी ॲक्ट्रेस आहे आणि चांगली मूवी वाटत आहे ट्रेलरवरून. पोलीस डिपार्टमेंटचे वर त्याच्यामध्ये बराच भाग दिसत आहे त्याचा. त्याच्यामुळं आम्हाला इकडे नाशिक पोलीसमधून लॉन्चिंगसाठी त्यांनी आमंत्रित केलं होतं. तर आम्ही मग आवाहन करतो या निमित्तानं की आपण ते मूवी बघायला काही हरकत नाही. तसंच 24 फेब्रुवारीला नाशिक पोलीस नाशिक मॅरेथॉन आयोजित केलेली आहे 2019 24 फेब्रुवारी. तर सर्वांनी या मॅरेथॉनचं थीम आहे रन फॉर वुमेन्स सेफ्टी अँड जेंडर इक्वॅलिटी, जे की खूप गरजेचं आहे. तर सगळ्यांनी नाशिककरांनी तसंच महाराष्ट्रातील भारतातील सर्व फिटनेस प्रेमींनी या नाशिक मॅरेथॉनमध्ये 24 फेब्रुवारी 2019 सहभागी व्हावं असं आम्ही आवाहन करीत आहोत. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. मुझे नाशिक का नाम भी फिल्म इंडस्ट्री में रोशन हो रहा है. हम चाहते हैं कि और भी फिल्में यहाँ बने. नाशिक की मीडिया की तरफ से मैं इस फिल्म को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ. थैंक यू सर. जैसा सर ने बताया है मैराथन का, तो मैं सभी पब्लिक को और सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि नासिक रन में 24 फरवरी को शामिल होकर अपना फिटनेस और आगे अपने कैसे अपना फिटनेस ये करना है और इसमें शामिल होकर अपने क्या बोलते हैं सहभाग हुई है इसमें. थैंक यू. ये तो आदरणीय सीपी साहब होते जगन्नाथन साहब त्यांच्या काळात सुरू झालेले आहे. दरवर्षी वेगवेगळे मेसेज घेऊन आम्ही नाशिक पोलीस मॅरेथॉन घेतात. आता ही नाशिक शहर सीपी आदरणीय डॉक्टर रवींद्र कुमार सिंगल सरांचे मार्गदर्शनाखाली ही तिसरी मॅरेथॉन आहे आणि टोटल चौथी मॅरेथॉन आहे. लोकांना सहभागी जास्तीत जास्त करून घेतलं तर पोलीसबद्दलचा जो भीती आहे लोकांची ती कमी होऊन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचता येईल पोलिसांना आणि अंतर कमी व्हावं समाजामधलं आणि पोलिसांमधलं हा उद्देश आहे. मागच्या वर्षी ट्रॅफिक सेफ्टी आणि कम्युनल हार्मनी हा संदेश घेऊन आपण मॅरेथॉन घेतली होती, तर यावर्षी महिला आणि पुरुष समानता याच्याबद्दल आणि महिलांची सुरक्षितता हा नारा या मॅरेथॉनचा आहे. थँक्यू सर. थँक्यू. पहले ट्रेलर लॉन्च हुआ था, आज म्यूजिक लॉन्च हो गया है और आज से प्रमोशन भी आज आपने नासिक से शुरू किए, तो इसके बारे में आप क्या और कहेंगे? पहले आप इनसे पूछिए हीरोइन ये है. हाँ जी. नहीं मैं कंग्रेचुलेशन और आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है जो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है. और अब आप बताइए कि ऑडियंस के लिए क्या संदेश देंगे? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड एनकाउंटर आ रही है, आपने म्यूजिक देखा है, म्यूजिक लॉन्च हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. हमारे जो डायरेक्टर हैं आलोक सर, उन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन रोल दिया है इसमें एंड आई होप वो ऑडियंस पसंद कर रही हो. एंड इस फिल्म में जैसे कि मैंने कहा है कि एक क्राइम ड्रामा है, बट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बहुत अच्छी लोकेशंस है. सो आई थिंक कि इट्स एन अमेजिंग पैकेज एंड सब लोग देखना ज़रूर अच्छा पसंद करेंगे इसमें. और सुना है फुल ऑल एज ग्रुप देख सकते हैं ये फिल्म? बिल्कुल. आई थिंक ये इस फिल्म में सब कुछ होते हुए भी ग्लैमर है, फैशन है, लिव इन रिलेशनशिप है, अंडरवर्ल्ड का एक पार्ट दिखाया हुआ है, बट सब कुछ फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हो. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जो फैमिली के साथ हम नहीं देख सकते. देखिए हाँ मैं बताता हूँ आपको, ये म्यूज़िक बहुत अच्छा है, राहुल जैन ने इसका म्यूज़िक दिया है और हम लोगों ने बहुत मेहनत से गाने पिक्चराइज किए हैं और आज जो पब्लिक का रिस्पांस देखा उसमें ऐसा लगा कि गाने चलने चाहिए. हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बहुत यूनिक लोकेशंस के ऊपर शूट किया है. पिक्चर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की वल्गैरिटी नहीं है, हर आदमी अपनी फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे किसी के भी साथ देख सकता है. उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि ये फिल्म एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस के लिए. इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, ये एंटरटेनिंग मसाला फिल्म है जो सब कोई एंजॉय करेगा. सर नासिक में शूट करने की वजह थी या किसकी स्टोरी यही थी? नासिक में शूट करने की वजह ये थी कि स्टोरी का बहुत बहुत गहरा रिलेशन है नासिक शहर से, जो इस वक्त बताना उचित नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा सस्पेंस है. मैडम आप क्या कहेंगे, आपको नासिक, आप मराठी एक्ट्रेस हैं, हिंदी फिल्म उसके बारे में बताइए कैसा? मुझे थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा है प्लीज़. मतलब फिल्म मराठी, आप एक्ट्रेस मराठी हैं, हिंदी फिल्म में आप काम कर, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे देखती हैं आप हिंदी फिल्म? आई
आई थिंक कि फिल्म फिल्म होती है और उसमें लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, मराठी हो, बंगाली हो, लेकिन अच्छी फिल्म होना ज़्यादा ज़रूरी है. जब लोग थिएटर से निकलते हैं तो एक सेटिस्फाइड फीलिंग से निकले कि हमने एक अच्छी फिल्म देखी है. सो आई फील कि हिंदी हो या मराठी, लाइक ये फिल्म हिंदी में है, इसमें हिंदी के सब नोन एक्टर्स जो है, रंजीत जी है, अनुपम श्याम जी है, अभिमन्यु सिंह, प्रशांत नारायणन, एंड स्टोरी इसकी बहुत अच्छी है. आलोक जी की स्टोरी है, आलोक जी का ही डायरेक्शन है. इसमें हमारे प्रोड्यूसर है जो यंग प्रोड्यूसर है, तो एक यंग वाइब है इस फिल्म को. सो इट्स अ वेरी नाइस फिल्म. आपने कहा नासिक से आपका गहरा रिश्ता है, तो कुछ इसके बारे में बताइए. नासिक से मेरा ये कनेक्शन है कि एक्चुअली मेरे जो नाना जी है उनका नाम है बापू आठवे. वो एक नॉन मराठी में राइटर है एंड राइटर थे सॉरी एंड उन्होंने दादा साहेब फाल्के जी पे बायोग्राफी लिखी है और जिस बुक पे इंस्पायर होके हरिश्चंद्राची फैक्ट्री ये मूवी बनी है. सो वो एक दादा साहेब फाल्के जी का एक फिल्म इंडस्ट्री और मेरा पर्सनल दोनों कनेक्शन नासिक से है. सर कुछ फिल्म और कहाँ कहाँ प्रमोशन करने वाले हैं और रिलीजिंग डेट पब्लिक जानना चाह रहा है. रिलीजिंग है इसकी 8 फरवरी को 2019 और आज हम लोगों ने नासिक से प्रमोशन स्टार्ट किया है और देखते हैं भाई एक्ट्रेस की डेट कहाँ कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, तो वो हिसाब से प्रमोशन करेंगे. थैंक यू. इस पिक्चर की प्रमोशन चालू हुई है. लोग तो बड़े बड़े शहरों में करते हैं लेकिन नासिक भी अभी बहुत बढ़िया शहर है और काफ़ी बार पहले भी आए हैं और शूटिंग यहाँ पर लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अब फिल्म मेकर ये पिक्चर देखने के बाद नासिक में काफ़ी शूटिंग हुआ करेगी. तो बस आप लोग तैयार हो जाइए. ऑल द बेस्ट. क्या कहना चाहेंगे सर? नासिक के बारे में ये कहूँगा कि यहाँ की जो हवा है उसमें बहुत ही एक प्यारा सा खूबसूरत सा नशा है और नासिक के लोगों से मैं कहूँगा कि उन लोग का बहुत सपोर्ट रहा है और बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है. जैसा कि सर ने कहा यहाँ पर कि फिल्म सिटी बनेगी है पहले रनिंग के लिए बताओ, और हम लोग को यहाँ पे बहुत मज़ा आया. जितने भी इस कलाकार है सब लोगों ने टोटल मतलब ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे शूटिंग हम लोग की नासिक में हुई है. और बेसिकली मैं फैशन फोटोग्राफर हूँ इस फिल्म के अंदर, राहुल मेरा नाम है किरदार, और हमारे साथ में बड़े बड़े हम लोग के जो जिनको देख के हम लोग सीखते हैं काम और जो वो अभिनेता हमारे साथ हैं. आजकल के बच्चे बड़े होशियार है यार, वेरी मेहनत बहुत करते हैं, अच्छा काम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. रंजीत साहब के साथ फोटो.